न्याय की दुनिया में हक का समर्थन और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार की कहानी। अरे साहेब, मार दिया मार दिया मार दिया। क्या हुआ? मार दिया, हमारे पिताजी को मार के सर फाड़ दिया है। बहुत मारा है। यही बगल गांव से, रामपुर से। नाम क्या हुआ आपका? नाम हमारा रामू हुआ। हमारे पिताजी को बहुत मारा है, सर फाड़ दिया है, क्या बताएं। पांडे जी, कंप्लेंट का दर्ज कीजिए। आइए आइए, तो उठ के जाइए, वहां पे जाइए। बोलिए क्या बात है। हमारे वो जमीनी विवाद चल रहा था। अच्छा। उसी पे कल हम जमीन पे गए, हमको ही मारा, हमारे पिताजी को ही मारा। अच्छा। वो अभी बेहोश है, अभी अस्पताल में है। वो अस्पताल कौन ले गया उनको? हमारे घर के लोग सब ले गए। अच्छा। कहाँ हुआ ये घटना? यही रामपुर में। ठीक है। कौन था हमारा, कौन था? हमारे पड़ोसी ही है। पड़ोसी है जी? भाई पट्टा गोतिया वाला बात है? नहीं नहीं, गोतिया नहीं है, पड़ोसी है। अच्छा ठीक है। चलो चलो आते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद। पांडे जी। जी सर। गांव के बारे में कुछ जानते हैं क्या आप? गांव के बारे में भी जानते हैं सर, यहीं 10 साल से है तो जानेंगे नहीं सर। अच्छा, क्या हुआ? वो जो नाम ले रहा था उसका, रमेश का, बड़ी आतंक फैला हुआ है सर। पिछला 4-5 बार से लगातार ऐसे ही उसके ऊपर कंटेनर आया, किसी का मार के माथा फाड़ देता है, कभी किसी से कुछ लूट लेता है सर। क्या किया जाता है आपके यहाँ जो कहेंगे सर? चलिए फिर अरेस्ट किया जाए। हाँ ठीक, चला जाए सर। वाले ने गिरफ्तार कर लिया भैया को, उठा ले गए सब। भैया कुछ कीजिए आप। भैया को अभी अभी ले गए मेरे सामने, भैया ने कुछ नहीं किया। भैया आप आ जाइए। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब जल्दी आइए भैया। अच्छा आप आ गए भैया, पुलिस वाले उठा के लेके चले गए। चलो कहाँ चलना? थाने। थाने ले गए। हाँ चलो। दरोगा जी नमस्कार। भैया कहा जी? चलो हटो। काहे से बोल रहे हैं जी? काहे से बोल रहे? क्या बात है, काहे बोल रहे हैं? आप महिला ना है जी? महिला आप मुझे कहेगा महिला है क्या है? आप कौन है जी? हम कुछ भी हैं। आप कौन है? नागरिक है। नागरिक है तो आराम से रहिए। आगे आप उसी में बैठ कर दादागिरी कीजिएगा। एक्यूज्ड है, पता है ना आपको? हाँ, किस जुर्म में उसको लाया? आतंकवादी है, कितना का गोली मार दी है। कौन पता है? कब मारा है? उसे उसे बम मार दिया। बहुत बहुत अच्छे हैं। चलो चलो, महिलाओं के ऐसे करती है। चलो आप महिला के साथ ऐसा नहीं कर सकते। हटो जाओ यहाँ, तुम भागो। कहाँ भागे? बाहर थाना से बाहर। हमको दरोगा जी से बात करना है। करो दरोगा जी से बात करो, यहाँ इधर नहीं आना है अपराधी के पास। दरोगा जी किस जुर्म में उसको गिरफ्तार किए हैं? नाउताला नहीं हुई है, 307, 324, 326 का आरोपी है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है। ठीक है चलो, यहाँ से कुछ नहीं हुआ। चलो भैया कैसे छूटेंगे? चलो हमारे वकील है, जान पहचान के, उनसे हम चलो बात करते हैं, जरूर समाधान कुछ निकालेंगे।
नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। और बताइए आशीष जी, आज इधर कैसे आना हुआ? सर एक केस के सिलसिले में आए थे जी, और उसकी जान पहचान की हमारी, इन्हीं का केस था। क्या केस था? केस था कल पुलिस ऑफिसर लोग आए थे वहाँ पे पुलिस स्टेशन से, और अब उनके भाई को गिरफ्तार कर लेकर चले गए। बुरा हुआ, लेकिन क्यों पता चला? आप लोग गए थे पुलिस स्टेशन के बारे में पता करने? हाँ हम लोग गए थे वहाँ पुलिस स्टेशन पता करने के लिए, लेकिन वहाँ पे बड़ी बदतमीजी से हम लोग पेश आ रहे थे, और उसको भी हाथ हाथ लगा दिए। पता करने की कोशिश की, कुछ अरेस्ट क्यों किया गया? हाँ बता रहे थे कि 326 324 307 तक कुछ केस लगाए हैं। अच्छा अच्छा, देखिए आप लोग पूरी बात बताइए, कल आखिर हुआ क्या था? कल हमारे भैया का पड़ोस के रामू के साथ झगड़ा हो गया था, एक जमीनी विवाद पे। अच्छा अच्छा, और उसने धमकी भी दी थी कि वो झूठे केस में हमारे भैया को फंसा देगा। अच्छा अच्छा, और इसीलिए पुलिस वाले उसे उठा कर ले। देखिए आप घबराइए मत, कानून पर भरोसा रखिए, भारत का जो कानून प्रणाली है तो किसी भी व्यक्ति को तब तक निर्दोष मानता है जब तक कि उसके ऊपर दोष सिद्ध ना हो जाए। देखिए और तो और, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी भारतीय संविधान की अनुच्छेद 21 का उल्लंघन कर सकती है। तो अगर वह गिरफ्तारी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार न की गई हो, साथ ही साथ अगर प्रक्रिया जो हो निष्पक्ष होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, और वह अरेस्ट जो है वह दमनकारी नहीं होना चाहिए और ना ही अचानक होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, गिरफ्तार करने के दौरान रमेश के साथ कोई पुलिस का व्यवहार कैसा था, कैसे अरेस्ट किया गया? पुलिस भैया को बहुत बुरी तरीके से घसीटते हुए लेके चली गई, मैंने कोशिश किया लेकिन उन्होंने नहीं छोड़ा, उन्होंने उसे मारा भी और वो थाने में ले गई और उन्हें नीचे बैठा कर रखा, हम लोगों को मिलने भी नहीं दिया उनसे। इनसे भी बदतमीजी कर रहा था सर, ऐसा भी होता है? बताइए सर, आज भी ऐसा हो रहा है। देखिए जबकि CRPC की धारा 50A डीके बसों के गाइडलाइंस के अनुसार जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस को उसके साथ सम्मानपूर्वक पेश आना होता है, ताकि क्या हो कि उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी तरीके का मानसिक शोषण का उसके ऊपर प्रभाव न पड़े। और साथ ही अगर गिरफ्तारी के दौरान अगर चोट लगी हो तो CRPC की धारा 54 के अनुसार उसे फ्री मेडिकल जांच का भी अधिकार है। जी चलिए, आप लोग घबराइए नहीं, संभव है कि रमेश को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होगी, हमें पूर्ण विश्वास है और रमेश को न्याय दिलाया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, रमेश और उसकी बहन के साथ क्या हुआ, क्योंकि उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी नहीं थी जिसकी वजह से उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई। तो अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और अपने अधिकारों की जानकारी लेनी है। जी हाँ, बहुत से अधिकार हैं जो किसी भी अभियुक्त को गिरफ्तारी के बाद होते हैं, जैसे कि पहला कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो परिवार या किसी मित्र को यह सूचना देना है उसे किस थाने में पूछताछ के लिए रखा गया है। दूसरा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस बात का पता होना चाहिए उसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, यह अधिकार CRPC की धारा 55 और 75 के द्वारा दिया गया है, साथ ही संविधान की अनुच्छेद 22(2) के अनुसार यह एक मौलिक अधिकार भी है। तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को चुप रहने का भी अधिकार है जो संविधान की आर्टिकल 20(3) के द्वारा दी गई है, जिसमें किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है उसे अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता। अगर अभियुक्त गरीब हो या असक्षम हो जो अपने पक्ष के लिए किसी भी वकील को नियुक्त ना कर सके तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो एक खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में दी गई है, साथ ही संविधान की अनुच्छेद 21 के अनुसार यह राज्य का दायित्व है कि उसे फ्री लीगल एड प्रदान की जाए, और इसके लिए सरकार के द्वारा देश स्तर पे, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे लीगल सर्विस अथॉरिटी की गठन किया हुआ है। तो दोस्तों यह अधिकार आपके सुरक्षित भविष्य के लिए है, इन्हें समझें और अपने अधिकारों की रक्षा करें। तो दोस्तों इस यात्रा में हमने ये समझाने का प्रयास किया है कि इन अधिकारों की सुरक्षा समाज के न्यायपूर्ण और संवेदनशील आधार को मजबूती प्रदान करती है। हम सभी को इस संदेश को समझने और उसमें सहमत होने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।